हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है रीट। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। परमाधिकार रीट ब्रिटेन के सामान्य कानून की अभिव्यक्ति है। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को रिट निकालने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रिट निकाल सकती है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के साथ साथ सामान्य विधि के उल्लंघन या अवैधता के लिए भी रिट निकाल सकती है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार व संविधान के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता की शक्ति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में कुछ अंतर हैं जो इस तरह है। पहला है, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता संबंधित राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, रीटे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विषयों के संदर्भ में जारी कर सकता है। और अंतिम तीसरा है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध व उत्प्रेषण की रीटे जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध रीट जारी नहीं कर सकता है। अतः इस प्रकार जहाँ उच्चतम न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र अधिक है, वहाँ उच्च न्यायालय का रीट अधिकारिता में विशेष क्षेत्र अधिक है। वस्तुतः दोनों ही न्यायालयों की रिट अधिकारिता प्रदान करने का उद्देश्य संविधान व मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। फ्रेंड्स, अब पांचों रिटों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का पर विचार कर सके। इसका शाब्दिक अर्थ है निरुद्ध या गिरफ्तार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रीट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। यह रीट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति जिसके अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। इस रीट की अवज्ञा करने पर न्यायालय की अवमानना का दंड दिया जाएगा। न्यायालय इस रीट के द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तार करने का कारण पूछ सकती है, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। इस रीट के कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं की जा सकती है। जैसे पहला है, जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अभिरक्षा के भीतर नहीं है। दूसरा, जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है। और तीसरा है, किसी अभिलेख न्यायालय अथवा संसद द्वारा अवमानना के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए। अब दूसरे रीट की चर्चा करते हैं, जो है परमादेश, मैंडमस। यदि कोई व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे, तो न्यायालय उस व्यक्ति या संस्था को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कह सकता है। भारत में परमादेश द्वारा अधिकारियों और सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है। यह रिट अपर न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी उस स्थिति में निकाली जा सकती है, यदि वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से मना करते हैं और इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इस रीट में भी कुछ अपवाद हैं, जो व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश नहीं निकाला जा सकता, जिसमें पहला है, निजी संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध रीट जारी नहीं की जा सकती। और दूसरा है, परमादेश रीट अधिकारिता की विवेक शक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए। अब चर्चा करेंगे प्रतिषेध लेख रीट की। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि
इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह एक प्रकार से न्यायिक रीट है। यह अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता को नियंत्रित करती है। यह रीट तब जारी की जाती है जब यदि कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा है, या अधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, या फिर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है। प्रतिषेध रीट तब भी जारी की जा सकती है जब कार्यवाही लंबित हो या आदेश नहीं किया गया हो, अर्थात आदेश से पूर्व। अब अगले रीट उत्प्रेषण की चर्चा करते हैं। यह रीट अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है, जिसमें निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या शक्ति दुरुपयोग के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करे। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्यायिक निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अब अगले रीट की चर्चा करने से पहले यहाँ पे प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट की तुलना करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों रीट अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारिता संबंधी विषयों पर जारी की जाती है। हरि विष्णु कामत बनाम अहमद इसहाक 1955 के बाद में प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रीट में कुछ अंतर बताया गया, जिसमें पहला है प्रतिषेध रीट अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व यानी सुनवाई के दौरान जारी की जा सकती है, जबकि उत्प्रेषण रीट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। और फिर अगला है प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रीट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है। और अंतिम है प्रतिषेध रीट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए भी जारी की जा सकती है, जबकि सामान्यतः उत्प्रेषण रीट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दिशा में जारी नहीं की जा सकती है। अब अंत में आखिरी रीट यानी कि अधिकार परीक्षा लेख की चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस आदेश का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोकना है, पर रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए होता है। ऐसे व्यक्ति से रीट के माध्यम से पूछा जाता है कि वह यह पद किस प्राधिकार के से धारण किए हुए है। जब यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद पर कब्जा बनाए हुए है, तो यह रीट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे चुनौती देने वाला पद लोक पद होना चाहिए, और दूसरा है ऐसा पद अवैध रूप से धारण किया हुआ होना चाहिए। अधिकार परीक्षा की रीट जारी करना अथवा नहीं करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए मेरे अदर वेबसाइट rozgaryojana.in पर विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।